राधे राधे एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार राधे राधे बोलेंगे फिर स्टार्ट करते हैं। राधे 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 सर, एवरीवन, राधे कहाँ है? आपकी शक्लें दिखाइए, आपके चेहरे दिखाइए, कहाँ हो आप सब लोग? राधे 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 जी, राधे राधे राधे, राधे राधे सर, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे। राधे बहुत राधे बहुत स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे टू ऑल। मेरा नाम है पुरुषोत्तम आर कंजनी, मैं आज आपका होस्ट हूं और एक ओकल रिसर्चर हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में। वेबिनार जैसा कि आपने बैनर पे देखा होगा, एस्ट्रो वास्तु। क्या है एस्ट्रो वास्तु, आज उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग इस वेबिनार में आए, आपने अपना समय दिया। बहुत सारे चेहरे, राजीव जी, अनिल जी, संगीता जी, बहुत सारे, दिलीप राणे जी, बहुत सारे परिवार के लोगों जो आए हैं उनका, और जो नए लोग आए हैं सभी का दिल से स्वागत है और हार्दिक हार्दिक अभिनंदन भी है। देखिए, जो नए लोग हैं जो हमारे परिवार से आज जुड़े हैं, उनके लिए एक छोटी सी जानकारी मैं दे दूं कि हमारा प्लेटफॉर्म है स्टार साइन। हमारा फेसबुक पेज है मनीष के मौर्या नाम से, यूट्यूब पेज है मनीष के मौर्या नाम से। स्टार साइन एक प्लेटफॉर्म है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है ये। यहाँ पर ओकल्ट की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स को पढ़ाया जाता है और नॉलेज दी जाती है, लाइक एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो वास्तु, कैंडल हीलिंग, पैच फ्लावर, न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, और बहुत सारी क्लासेस। लगभग 60 से 70 क्लासेस ऑलरेडी हम कंडक्ट कर चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स को लेकर, जिसकी जानकारी आपको मनीष के मौर्या पेज पे मिल जाएगी, फेसबुक पेज पे। उसी में आज एक कदम आगे रखते हुए एस्ट्रो वास्तु का हम कोर्स ला रहे हैं जो कल से ही स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आप सभी को यहाँ बुलाया गया है ताकि उसकी थोड़ी सी आपको जानकारी मिले, और अगर आप उससे रिलेट कर पाते हैं और उसके फायदों को समझकर अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो क्लासेस में आए। आज हमारे बीच जो मैम है, चित्रा मैम, उनकी तारीफ इतनी सी करूंगा कि वो एक एस्ट्रो वास्तु की बहुत अच्छी एक्सपर्ट है, रेमेडी एक्सपर्ट है और एस्ट्रोलॉजर है, और वो लगभग 16 साल से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और बहुत ही अच्छी पकड़ है उनकी एस्ट्रोलॉजी पे। एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष, ईश्वर की ज्योति यानी कि जो अपनी जीवन को चलाती है। अगर आप एक अच्छे ज्योतिष बन जाते हैं तो आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ लेकर, प्लेस ऑफ बर्थ लेकर और टाइम लेकर उसके पूरे जीवन का लेखा जोखा बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट कर पाते हैं, चाहे वो पास्ट हो, फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो। जैसे जैसे इसमें आप प्रैक्टिस करते जाते हैं उसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो जाती है। ज्योतिष बहुत बड़ा कोर्स है और अपने आप में वो पूर्ण विद्या है। इसी तरह वास्तु, वास्तु भी अपने आप में एक ऐसा टूल है जिसको किसी और साइंस की जरूरत नहीं है। लेकिन ये एस्ट्रो वास्तु का क्या मतलब है, इसमें तो दोनों चीजें आ रही हैं, एस्ट्रोलॉजी भी और वास्तु भी। तो इसका सीधी सी तात्पर्य ये है कि अगर कहते हैं ना सोने पे सुहागा या चेरी ऑन द टॉप, अगर आप एस्ट्रो वास्तु को समझ जाते हैं, थोड़ी सी आपकी बेसिक नॉलेज एस्ट्रोलॉजी की और वास्तु की बेसिक नॉलेज को मिला देते हैं, तो आपकी जो भी प्रिडिक्शन होती है पर्टिकुलर व्यक्ति की, ग्रह और दशाओं को जानकर उसके एलिमेंट्स को बैलेंस करने को ही एस्ट्रो वास्तु कहा जाता है। एस्ट्रो वास्तु अपने आप में एक बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही बेहतरीन साइंस है। एवरीथिंग इज साइंस, एवरीथिंग इज एनर्जी, और सब कुछ पंचभूतों पे ही, जो पांच भूत होते हैं उन पे ही सारा का सारा निर्भर होती है हर साइंस। तो उनको किस तरह से बैलेंस करेंगे आपको ग्रहों को जानकर, ज्यादा जानकारी चित्रा मैम से लेते हैं। चित्रा मैम बहुत बहुत स्वागत है, आज की इस जो टॉपिक रखा है एस्ट्रो वास्तु जिसकी क्लासें कल से स्टार्ट हो रही हैं, उसके बारे में बताएं और बताएं कि इससे करने से लाइफ में ब्लेसिंग क्या आने वाली है, आखिर ये लोग क्यों करें। जी मैम, थैंक यू स्वागत है पुरुषोत्तम, आपका। थैंक यू पुरुषोत्तम जी, थैंक यू स्टार शाइन, राधे राधे टू ऑल। सबसे पहले आप सब लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, और आज आप लोगों से बात भी करेंगे और ये भी बताएंगे कि एस्ट्रो वास्तु क्या होता है, क्यों करना चाहिए, एक्चुअली में ये है क्या। तो मैं थोड़ा लोगों से भी बात करना चाहूंगी, क्योंकि मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि
मतलब जो लोग वेबिनार में आते हैं कहीं ना कहीं उन्हें एनर्जी वो अट्रैक्ट करती है ना, जानना भी चाहते हैं, कुछ जानते हैं तो और पॉलिश करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से ही 2 मिनट जानना चाहूंगी, कौन कौन जानता है इसको, वास्तु क्या होता है, कुछ आइडिया है किसी को? किसी को कोई आप आइडिया नहीं अपने है? हैंड रेस कर सकते हैं, कैमरे ओपन कर सकते हैं, आप परिवार में ही हैं, बिल्कुल ना घबराएं। सही या गलत उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक साहस करने की बात है। आप आइए, बात कीजिए और सेशन को इंटरेक्टिव बनाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। बात करते हैं सबसे पहले अनिल जी से। अनिल जी नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे मैडम, राधे राधे सर। राधे राधे सर, कैसे हैं आप? हम ठीक है मैडम, आप कैसे हो? बहुत अच्छे सर के साथ तो मेरा बड़ा अच्छा हो रहा है सफर ना। हाँ, दो दो कोर्स किए हैं जी मैडम। एस्ट्रो वास्तु मेरे हिसाब से, अगर हम चीजों को अपने चार्ट के हिसाब से अरेंज करेंगे बिल्कुल तो वो हमारे लिए बेनिफिट रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वास्तु को बढ़िया अगर बात। एस्ट्रो अपने चार्ट से अगर अरेंज करेंगे तो फिर ठीक रहता है, वो प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं मेरे सही हिसाब है, से। वो है निशाना वो क्या बोलते हैं, 3 निशाने को लग करेक्ट सर, इतने अभ्यास करते हैं, इतना बारीकी से अभ्यास करते हैं कि उनका निशाने पे तो लगना ही था। राजीव जैन जी भी दिख बस रहे हैं मुझे। आपके जी आशीर्वाद है। नहीं नहीं सर, राधा रानी का आशीर्वाद चाहिए, हम सब तो सब भाई बहन ही हैं। अब बात करते हैं राजीव जी से। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजीव जैन जी नमस्कार, राधे राधे जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? राजीव सर बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? बिल्कुल कृपा, थैंक यू सो मच मैम। मैम मैं तो ये बताना चाहता था बेसिकली, लाइक एस्ट्रो वास्तु बेसिकली इट्स टू थिंग्स कंबाइंड इन वन, लाइक टू इन वन सिस्टम है ये। मतलब यू नो यू कैन कवर अप फ्रॉम ऑल द एंगल, सारे बॉर्डर्स कवर अप कर लेता है इसके साथ। मगर अगर आप किसी ने बताना है तो मतलब यहाँ से पता लग जाता है, हम ग्रह राशि वगैरह वो तो सब देख लेते हैं, लेकिन साथ में भी ये लगता है उसकी डेस्टिनेशन कहाँ पे है और उसका कौन सा एंगल खराब है, का हमारा मूवमेंट तो सारी तय हो रही, किस वजह से गड़बड़ हो रहा था, तो वो और क्लैरिटी हो जाती है पूरी। तो दैट्स व्हाट आई फील कि बेसिकली फ्रॉम ऑल एंगल से ये पूरा क्लियर हो जाता है, वही जिसको मिलेगा पूरा क्लियर चार्ट मिल जाता है। बहुत और बढ़िया, मतलब दैट्स बहुत व्हाट आई फील। थैंक बहुत यू बढ़िया, सर, आपने बहुत थैंक यू अच्छा सर। बताया। मतलब ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि अवेयरनेस है और पता भी है थोड़ा थोड़ा से भी ज्यादा कि क्या 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 होता है। और किसी से बात करेंगे सर, नहीं तो फिर हाँ, हम। सुमिता जोर्ज जी मैडम से बात कर। सुमिता जी अनम्यूट कर पा रहे हैं मैडम आप? हेलो मैम। हेलो हेलो मैम, नमस्ते, आवाज आ रही है? नमस्ते आवाज आ रही है मैडम। राधे नमस्ते, राधे, बहुत बहुत स्वागत है आज का आपके वेबिनार में। मैं फर्स्ट टाइम। मैडम म्यूट हो गए आप, अनम्यूट कर लीजिए एक बार। हेलो, अभी आ रही है आवाज? बिल्कुल आ हाँ रही है जी। मैडम। मैं पहली बार ही आपसे जुड़ी हूँ। मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ और वास्तु में काम करती हूँ, और बेसिकली मैं पिरामिड के साथ में काम करती हूँ, रिटर्न पिरामिड के साथ में। तो मेरे पास मतलब मेरे को थोड़ा सा इसमें डीप में जानने का मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट था जब आपका एड देखा मैंने फेसबुक पे। तो मैं केवल एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि जब एस्ट्रोलॉजी में मैं देखती हूँ कि ग्रहण दोष है किसी की भी पत्रिका में, हमेशा मैं जब भी वास्तु विजिट के लिए जाती हूँ, वास्तु करेक्शन के लिए जाते हैं, तो मेरे मेरे को हमेशा जब ग्रहण दोष होता है उस पत्रिका में, मतलब किसी भी पर्सन के, वहां पे मेरे को हमेशा साउथ वेस्ट इम्बैलेंस ही मिलता है। कुछ तो भी मेजर प्रॉब्लम होती है, और ये मैंने बहुत मार्क किया है। फिर मेरे को सबसे पहले वहां पे सारी रेमेडीज करनी पड़ती है, फिर ही मेरे को साउथ वेस्ट की एनर्जी काम करने को देती है। नहीं तो एक छोटा सा पिरामिड भी मैं साउथ वेस्ट में हम नहीं लगा सकते हैं। कुछ तो भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी, लाइट चली जाती है, किसी की मशीन खराब हो जाती है, तो वो जो डायरेक्शन है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है, और आपकी पत्रिका का ग्रहण दोष। ये 2 चीजें मैंने मेरे खुद के एक्सपीरियंस पर से, पत्रिका रीडिंग पर से, और इस पर से मैंने अनुभव किया। इसलिए जब आपका पेज पढ़ा तो मैंने कहा ये यदि कनेक्ट हो सकता है तो बाकी और भी क्या इसमें डेप्थ में है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं आपका आज का वेबिनार ज्वाइन करूं। तो दिस इज माय मतलब ये मेरा कम से कम आज का 6-7 साल से, जब से पिरामिड इंस्टॉलेशन के लिए जा रहे हैं, तब का मेरा ये एक्सपीरियंस है पूरा। बहुत बढ़िया, आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है। आपने बहुत अच्छी बात की, जैसे अभी आप जाके चेक करते हो ना, आपने पत्री में देख लिया कि पित्र दोष है या ग्रहण दोष है, लेकिन अभी क्या करोगे, आप हॉरोस्कोप को यहाँ से देख के बता दोगे कि कहाँ पर, क्योंकि आपका ग्रहण दोष या पितृ दोष 12 हाउसेस में कहीं भी हो सकता है।
Right. अगर आपने सातवें घर में देख लिया और आपने यही से देख लिया तो आप यही से बता दोगे कि आपको इस राशि में या इस क्योंकि यहाँ पर फिक्स है आपके जो डायरेक्शन है फिक्स है, आप यहाँ से बैठ के उन्हें बता दोगे जी आपके डायरेक्शन में ये प्रॉब्लम है। अगर आपके सातवें सेवंथ हाउस के अंदर राहु बैठा है तो आपने या तो साउथ वेस्ट के अंदर टॉयलेट बना रखा है या तो आपने तुला राशि यानी साउथ के अंदर कहीं पर भी आप टॉयलेट बना के बैठे हो या सामान आप बहुत सारे रख के बैठे थे। Yeah, that's why I find it so interesting. इसलिए मैं आज join किया मैंने आपको। बहुत-बहुत स्वागत है मैडम आपका और थैंक यू आपने रिलेट तो किया, कम से कम आप रिलेट तो कर ही पा रहे इतने साल के एक्सपीरियंस से, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। चलो जी ठीक है, अरुण सर से बात कर लेते एक बार फिर आगे चलते। हाँ अरुण जी नमस्कार, राधे राधे जी। नमस्कार मैडम, राधे राधे मैडम, नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैडम ज्यादा तो मुझे नहीं मालूम पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जैसे एस्ट्रो में 12 हाउसेस होते हैं, राशि होती हैं, इसी तरीके से हमारा जो है वास्तु में भी डायरेक्शन होते हैं और उन डायरेक्शन को और इनको अगर हम कंबाइन करें तो जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि हम जान सकते हैं कि इस हाउस में ये प्रॉब्लम है तो ये डायरेक्शन हो सकता है, या हम उल्टा चलें कि भाई अगर ये हमारा डायरेक्शन में कुछ गलत है तो इसका मतलब हमारा ये हाउस खराब हो सकता है, तो इन दोनों को हम कंबाइन करके कुछ जो है नया चीज निकाल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात बोले सर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आपने बहुत ही बढ़िया बात की, बहुत ही अच्छा सर। रेखा मैम से भी कर लेते हैं फिर। जी रेखा महेश्वरी जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, ये जस्ट मेरा थॉट है कि वास्तु तो हम एज अ मेजर में करते हैं, यस, जैसे महावास्तु होता है जगह को देखकर या फ्लैट को देखकर, एस्ट्रो वास्तु होता है कि पर्टिकुलर कुंडली को लेके होता है। अभी जैसे किसी के लाइफ में सब कुछ अच्छा चलता है पर है ना कोई प्लैनेट ऐसा बैठा हुआ है डायरेक्शन गलत होता, तो हम क्या होता है किसी की कुंडली से देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस डायरेक्शन आपका कुछ गलत है इसलिए आपका ये काम ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये एस्ट्रो वास्तु पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है, ये जो वास्तु महावास्तु होता है ओवरऑल होता है। ये बहुत बढ़िया बात है, आपने बहुत बढ़िया बात की रेखा मैम। अगर आप मुझे अपने आपके लिए दो शब्द बोलने की परमिशन दे तो मैं कुछ बात कर सकती हूँ क्या? यस मैम, यस यू आर ऑलवेज। आपको ध्यान है आपने जब फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी किया था तो हमने वहां से अपना डायरेक्शन पकड़ा था। यू आर सो वर्किंग हार्ड बट यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट बिकॉज ऑफ तो दिस इज एस्ट्रो वास्तु। मैंने वैसे कनेक्ट किया मैम कि पर्टिकुलर कुंडली का हिसाब से हमारा अपना अपना वास्तु होता है। जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात की आपने। चलो देखो ये एस्ट्रो वास्तु, जैसे जैसे हमारे प्लैनेट्स चलते हैं ना, हमारे एस्ट्रोलॉजी के प्लैनेट्स भी हमारे वास्तु पे काम करते हैं। और जो अभी इस साल में मतलब लास्ट अक्टूबर के बाद में, जरा मेरी बात को कुछ फीमेल्स फेवर करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। कितनी फीमेल्स ऐसी हैं जो मुझे ये बताए कि वो अपने कपड़े अरेंज करने की कोशिश कर रही है और कपड़े अरेंज नहीं कर पा रही, किसी ने इस बात को महसूस किया है? या उनके बिस्तर बिखरे बिखरे रहते हैं, वो नहीं अरेंज कर पाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं फिर भी नहीं रह पाते हैं, किसी ने ऐसा कुछ? सेजल जी बहुत बोल रहे हैं। ओके अच्छा, किसी के वॉल्स के अंदर इस साल में, हिना शर्मा मैम ने भी ट्रू बोला है, इस ईयर में स्पेशली अक्टूबर के बाद से आप लोगों ने ये महसूस किया है कि आपके घर के अंदर कुछ क्रैक्स आए हैं, कुछ वॉल्स में क्रैक्स आए हैं, ऐसा महसूस किया है? ओके शायद कुछ लोग को क्योंकि कुछ लोग नए हैं ना, किया शारदा जी ने किया, काजल जी ने किया, राजीव जी कुछ किया। कुछ लोगों के बेडरूम के अंदर पूजा पाठ की किताबें रखी हैं। मैडम कहना क्या चाहते हैं? ठीक है अच्छा, मुझे ये बताओ कुछ लोगों के ड्राइंग रूम को चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं अरेंज, ऐसे कुछ लोग हैं? रेनु जी के लिए यस। ओके ठीक है यस। तो आज इन सब के बारे में भी मैं आपको, आप लोग सब आए हो, कुछ ना कुछ आपको जरूर दूंगी
अच्छा बहुत सारे जो यंग फीमेल्स हैं, ठीक है, हम अपना सेशन ना ऐसे इंटरेक्टिव रखेंगे। क्या होता है कि लॉन्ग टाइम से मैंने महसूस किया ये कि हम आपको सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे, बातें भी करेंगे, और आपके जो क्योरीज है ना उसको भी फाइंड आउट करेंगे। आप उस कोर्स को करते हो नहीं करते हो, आपको एनर्जी अट्रैक्ट करते नहीं करते, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट कुछ तो अट्रैक्ट समझ के जाए या अपनी क्योरीज को सॉल्व करके जाए या पूछ के जाए। अच्छा मुझे ये बताओ, यंग में कितने लोगों के ब्रेकअप्स हो रहे हैं, है कोई शेयर करना चाहेगा? हैंड रेस करके बस, ओनली मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। काजल परिया जी, हीना शर्मा जी, विदाउट एनी रीजन, कोई रीजन नहीं है, बहुत टाइम से सही चला आ रहा है, अभी गड़बड़ हो रही है सब। हाँ जी मैडम, 3 लोग हैं। ओके, तो यंग वाले ही बताएंगे ना। अच्छा कितने लोगों के पैसे फंसे हुए ये बताओ, उपाय मिलने वाला है फटाफट, जो हैंड रेस करेगा उसी को उपाय मिलने वाला है, ध्यान। दिस इज कॉल्ड एस्ट्रो वास्तु। किसी के पैसे फंसे हुए, अपने अपने को नहीं दे रहे, मांग मांग के परेशान हो गए हैं, लगता है ये नहीं देगा, दे देगा फिर भी नहीं दे रहे हैं, फंसे हुए हैं। और ऑलमोस्ट अक्टूबर के बाद से सिचुएशन हुई होगी आपकी, ज्यादा काफी लोगों के फंसे हुए, दिस इज एस्ट्रो वास्तु, ठीक है जी। अभी कैसे होता है, क्यों होता है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ, और इनके कुछ जनरल रेमेडीज भी मैं आपको बताने वाली हूँ। आपके घर के कौन कौन से एस्ट्रो एरियाज को आप ठीक कर लो वो भी मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि ये सिचुएशन अभी 6-8 महीने तक चलने वाली है, ठीक है, ताकि आपकी चीजें खराब ना हो, ठीक है। जिसके भी ड्राइंग रूम में सोफे की टांग टूटी हुई है या कुछ लगा रखा है सपोर्ट, वो सब हटा के ठीक करें। अभी मैं आपको कोरिलेट करने वाली हूँ कि उसके बाद आपकी लाइफ में भी चीजें डाउन होगी, इनसे रिलेटेड जो मैंने आपको बताया, ठीक है। एस्ट्रो वास्तु की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा वास्तु के बारे में भी 2 मिनट बात करेंगे, ठीक है। वास्तु का मतलब क्या होता है, वास करना मतलब जहां रहना। हम डिटेल में वास्तु की बात नहीं करेंगे, हम शॉर्ट में बात करेंगे। कहीं पर हम बैठते हैं ना, उसकी एनर्जी हमें अट्रैक्ट होती है। अगर हम 1 घंटे के लिए भी किसी के यहाँ जाते हैं तो भी हमें अट्रैक्ट होती है। कभी हम होटल्स में जाते हैं तो हमें लगता है हमें अच्छा नहीं लग रहा, या हम किसी के घर जाते हैं तो भी हमें लगता है हमें अच्छा नहीं लग रहा या बहुत अच्छा लग रहा है। तो बेसिकली वास्तु का मतलब होता है वास करना, मतलब जहाँ पे रहना। मतलब बहुत पुराने समय से भी, पहले लोग क्या था, जंगलों में रहते थे। आप सबने सुना है 84 लाख योनियां होती है, ठीक है, उसमें से 30 लाख जो होती है वो क्या है, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। बाकी 27 लाख जो होते हैं छोटे छोटे जीव जंतु, कुछ उसके अंदर 14 लाख के करीब जो होते हैं छोटे छोटे परी होते हैं आपके, पशु पक्षी होते हैं, एंड कुछ समुद्र में रहने वाले होते हैं। और उसके बाद जो होते हैं, सबसे पहले जो एक जाति आई वो आई एनिमल्स की, फिर आई देवता की, और फिर आई मनुष्य की, ठीक है। लेकिन वास्तु कब एप्लीकेबल होता है, जब हम एक बाउंड्री बना लेते हैं। जब तक हम बाउंड्री नहीं बनाते तब तक वास्तु एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। और इसका वर्णन शास्त्रों में भी आपको मिल जाएगा। लंका को बनाने से पहले उनके रावण जी के ससुर ने बता दिया था कि आपने इसको गलत बनाया है और उसमें प्रॉब्लम आई। राम सेतु जो है वो भी वास्तु के हिसाब से बना हुआ था। लेकिन ये कैसा होता है, वास्तु यूनिवर्सल एनर्जीज होती है, सबको, मतलब जो हमारी एलिमेंट बेस्ड है उसके ऊपर बनी हुई एनर्जी है कि हाँ अगर ये तत्व है तो उसके हिसाब से ये तत्व यहाँ बैलेंस होता है, तो उससे रिलेटेड एनर्जीज को आप उस प्लेस पे बनाओ, ठीक है। लेकिन एस्ट्रो वास्तु क्या होता है, जैसे हम जन्म लेते हैं तो कोई ना कोई ग्रह कोई हमारे आकाश में कहीं ना कहीं घूम रहे होते हैं, और जैसे ही हम जन्म लेते हैं उस फिक्स टाइम पे वो हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ हमें मिल जाते हैं। हमारा डाटा एक तैयार हो जाता है जिसमें हमारी पूरी लाइफ लिखी होती है, एक पर्सनल हमें डाटा मिल जाता है उस पर्सन का, तो वो हमारी होती है एस्ट्रोलॉजी। लेकिन अब एस्ट्रो वास्तु क्या है, जो हमारे ग्रह राशि नक्षत्र काम करते हैं वो तो हमें पहले मिला, सबसे पहले किसी को घर मिला या नहीं मिला, उसको जन्म तो मिला ना। सड़क पे रहने वाले बच्चे भी पैदा होते हैं, जो लोग फीमेल्स जो ये होती है लेबर होती है वो भी काम करते हैं, उनके पास घर नहीं होता लेकिन जन्म तो उनके बच्चों का भी होता है। तो वो सड़क पे चाहे पैदा हो चाहे उसके बाद वो एक टेंट में रहते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है पहले जन्म होना। तो जन्म के समय कुछ भी प्लैनेट्स लेके आते हैं, राशि लेके आते हैं, ग्रह लेके आते हैं,
और उसके बाद हमें मिलता है घर, यानी एक वास करने की जगह, वो भी डिसाइडेड है कि कौन किसको कहाँ वास करे, वास मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे जब दोनों को मिक्स करके काम को हम करते हैं तो वो होता है एस्ट्रो वास्तु, मतलब हमारे प्लैनेट के हिसाब से हमारा वास कैसा होगा या हमारी लाइफ में उन सब चीजों का चीजें कैसी होंगी। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा होगा जिन लोगों के हैंड्स, जिन लोगों ने अप कर रखे हैं, आप डाउन कर लीजिए फिर हम दोबारा ले लेंगे, ठीक है। आप लोगों में से कितनों ने ऐसा देखा कि एक ही घर में फादर ने तरक्की करी लेकिन बच्चों ने नहीं करी, किसी ने देखा ऐसा? मोनिका मैम ने, एक ही घर था, नीता मैम ने देखा, ओके, संगीता मैम ने देखा, ओके। तो अगर एक ही घर में तरक्की करी तो एक ने करी तो दूसरे ने क्यों नहीं करी, राइट। अब किसी ने मकान ये पूछ के लिया कि वास्तु फ्रेंडली है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उसकी चीजें नहीं हो रही, क्यों? मकान तो वास्तु फ्रेंडली है, फिर क्यों नहीं हो रही? होनी चाहिए ना, नहीं हुई। कितने लोग एग्री है इस बात से? है कोई एग्री? मेरी इस बात से कोई एग्री है? ठीक है। और एक ही जगह पे आपकी कोई बिल्डिंग में रहते हो या 10 फ्लैट्स हैं, क्या सबके साथ एक जैसा हो रहा है? सबके साथ अलग अलग क्यों हो रहा है? कितने लोग एग्री है मेरे साथ में? वो तो सारे लोगों का एक सही वास्तु बना हुआ, एक ही एंट्री है, एक ही सब कुछ है, तो सब लोग अलग अलग क्यों है ना? तो सब मेरी बात से आप लोग एग्री हो, थैंक यू सो मच। और मतलब हमने जान लिया कि कहीं पर पढ़ लिया, कहीं पर जान लिया, कहीं कुछ कर लिया, खाली चीजें ठीक कर ली, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें नहीं होती है। कौन कौन लोग एग्री है इस बात से? है कोई एग्री मेरी इस बात से? हैंड रेस करो। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी और थैंक यू फॉर मेकिंग दिस सेशन वेरी इंटरेक्टिव, और थोड़ा मजा आता है ताकि आप लोग जान पाते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये है कि चीजें कहीं हो रही है और कहीं नहीं हो रही, ठीक है। और कभी किसी ने ऐसा देखा कि पहले सब कुछ ठीक था, एक ही घर था, सब कुछ एक था, अचानक 15 ईयर से कोई चेंज नहीं आया लाइफ में, एवरीथिंग बहुत स्मूथ चल रही थी, ऐसा क्या हो गया 2 साल से जो चीजें खराब हो गई? कौन कौन एग्री है इस बात से? है कोई एग्री? काफी लोग एग्री। थैंक यू सो मच। तो क्या हुआ, ये क्या चेंज हुआ? सब कुछ हमारा हाउस सेम था, सब कुछ सेम था, बहुत सारी सिचुएशन में पॉजिटिविटी भी है, फिर भी चेंज हुआ। चेंज हुआ हमारा एस्ट्रो, हमारे प्लैनेट्स, यही है एस्ट्रो वास्तु, अपने हिसाब से जानकर अपने वास्तु को चेंज करना। वास्तु मतलब चीजों को बैलेंस करना, उनसे रिलेटेड चीजों को कम है तो अच्छी, अच्छा या बुरा समझ के, मतलब जहां पर भी उनकी एनर्जी इम्बैलेंस है उनको बैलेंस करना, इसी को बोलते हैं वास्तु। प्लैनेट के हिसाब से जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे फिक्स होते हैं, लेकिन ये घूमते रहते हैं, हमारी दशाएं चेंज होती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग जब दशाएं चेंज होती है तो इफेक्ट कर जाती है। बहुत बार आपने देखा होगा, मैंने देखा है, ठीक है, कि एक एज अ मेजर डिफेक्ट है घर के अंदर, कि लगता है यार इसके घर में सब ये राइस कैसे कर रहे, आप लोगों ने भी देखा है, तो लगता है वास्तु बेकार है, ऐसा लगता है ना। लेकिन जैसे ही, क्योंकि उसकी दशा अच्छी चल रही होती है, उसको इम्पैक्ट नहीं करती, और जिस चीज की दशा चल रही है उसका वो डायरेक्शन बहुत अच्छा है, तो उसको वो इफेक्ट नहीं आता। जैसे ही वो दशा खत्म हो जाती है उसको इफेक्ट आने लगता है। और अगर आप सबकॉन्शियसली भी सोचो कि कहते हैं ना जैसा ग्रह चल रहा होता है वैसे ही आपके दिमाग के अंदर इफेक्ट हो जाते हैं, आप उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करने लगते हो। अगर किसी ने, अगर अनिल सर ने कल ब्लू कलर लिया था, मे बी कि 6 महीने बाद वो उस ब्लू कलर को हाथ ना लगाए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये क्या होता है कि कभी कभी हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कोई चीज हमें अट्रैक्ट करती है, या घूमना अच्छा लगता है, या कुछ अच्छा लगता है, या एक ये कलर अच्छा लग रहा है, लेकिन 6 महीने बाद, साल भर बाद ऐसा लगता है कि यार अब ये नहीं, अब अपने घर में बैठना चाहिए, यही काम करना चाहिए, और ये कलर अच्छा लगने लग गया, फिर बुद्धि वापस चेंज हो जाती है। तो ये हमारे ग्रह चेंज हो जाते हैं और हम उस पर्टिकुलर
वॉल को भी उस कलर से कर देते हैं। अब वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं वो तो सीखने पे ही मालूम पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा करते हैं। जी 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 बहुत बहुत मैं तो रिलेट कर पा रहा हूँ। हाँ जी, और होता है एक कहते हैं ना विनाश कर ले बुद्धि विपरीत, और दूसरा कहते हैं जाको राखे साइया मार सके मार सके न कोई, दोनों बातें हैं। तो मैंने भी देखा, मैंने मेरा ये वी पीपल आर वेरी लकी, और आज मैं जल्दी जल्दी में मेरे गुरु को भी प्रणाम करना भूल गई, तो मैं मेरे गुरु कविता मैम को भी प्रणाम करती हूँ जिनसे मैंने सब तरह के वास्तु सीखे। तो उन्होंने जब उन्होंने लास्ट में मैंने उनसे जब ये वास्तु किया था तो उन्होंने यही सिखाया कि यूनिवर्सल आप एनर्जी लेके आ गए, किसी को खाने में एक चीज सूट कर रही है दूसरे को नहीं कर रही, एक ही होटल में सब लोग खाना खा के आए हैं तो एक ही को कोई पॉइजन हुआ क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी है। तो एस्ट्रो वास्तु बहुत सिंपल वर्ड्स में आपकी सेंसिटिविटी है, आपको कहाँ पे क्या लेके आना है और कहाँ पर क्या पावरफुल बनाना। तो मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस में देखा कि जब लोगों के समय खराब आते हैं ना, अच्छा भला साउथ वेस्ट है, राहु की दशा आई और साउथ वेस्ट को तुड़वा के मैं टॉयलेट बनवाती हूँ, और जब चीजें खराब होने लग गई और कोरिलेट करते हैं दशा के साथ में तो वो चीजें बहुत ज्यादा कोरिलेट होती है। तो आप लोग भी बहुत भाग्यशाली और मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ कि हमारे गुरुजनों ने उस पर रिसर्च किया और वो हमें नई नई चीजें देते हैं, बस हमें जानने की जरूरत है। तो नॉर्थ कभी कभी तो मैंने ऐसा भी देखा मेरी प्रैक्टिस में कि लोगों को नॉर्थ ईस्ट की चीज भी इम्पैक्ट नहीं कर क्योंकि उन्होंने बाय डिफॉल्ट या बाय उनका इतना बढ़िया टाइम चल रहा है कि उसका इफेक्ट थोड़ा ही कम आया। तो हम एस्ट्रो वास्तु के थ्रू अपनी चीजों को रीड करके और उन चीजों को कम करके या ज्यादा करके या हमने जहां गलत किया है हम उसे ठीक करके अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। अब एस्ट्रो वास्तु की ना जैसे वास्तु बहुत तरह का होता है, महावास्तु आपका, मॉडर्न वास्तु हो गया, एनर्जी वास्तु हो गया, ऐसे एस्ट्रो वास्तु के भी ना बहुत तरीके हैं करने के। एक होता है वैदिक एस्ट्रो, वैदिक एस्ट्रो वास्तु, एक होता है आपका केपी से और एक होता है लाल किताब से, ठीक है। तो वैदिक में क्या 80% आपका ज्योतिष है, 20% आपकी दिशाएं हैं, लेकिन उसमें डायरेक्शन इतनी फिक्स नहीं है। और केपी में क्या है, नक्षत्र को लिया गया है, लेकिन जो जो हम किस चीज को ज्यादा वैल्यू देते हैं, जो चीज प्रूवन ज्यादा है, जो इजी ज्यादा है, जो किसी को भी करने में आसान ज्यादा है, तो जो सबसे ज्यादा रिजल्ट्स हैं वो है लाल किताब वास्तु के। मैं जो यहाँ पर आपको पढ़ाने वाली हूँ आने वाले समय में, मैं लाल किताब वास्तु प्लस नाड़ी के हमने इसके अंदर कारक ग्रह को लिया है क्योंकि कारक ग्रह ही असर करते हैं जीवन के ऊपर बहुत ज्यादा, तो उस वास्तु को हम सीखने वाले हैं, ठीक है जी। तो जो यहाँ पर बहुत आसान होता है, इसमें दो ही चीजें ली जाती हैं, एक लगन लिया जाता है जो कि काल पुरुष के ऊपर आधारित होता है, दूसरा डायरेक्शन फिक्स है। मैं आपको अभी डायरेक्शन भी बता दूंगी। तो उसमें हम डायग्नोस करते हैं कि कौन सा स्पॉट एरिया है और बहुत आसानी से चेक करके उसे रिलेट करके आप उसको बैलेंस कर लो, ठीक है। आप चेक करोगे उसमें हम पीएसी थ्योरी यूज करते हैं कि प्लेसमेंट है या आस्पेक्ट है या कंजक्शन है, अब वो फ्रेंडली है कि वो एनिमी है, ठीक है। और कुछ चीजों को हमें ब्लॉक ही करना है तो ब्लॉक ही करना पड़ेगा, कुछ चीजों को हमें कैसे इनहेंस करते हैं छोटी छोटी चीजों से भी करके आप ठीक कर पाओगे। और मैं लास्ट में आपको एस्ट्रो वास्तु के कुछ बहुत अच्छे टिप्स भी देने वाली हूँ, हम लास्ट में उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। जब हम वास्तु भी कराने के बाद हम जब पूरा डिटेक्ट नहीं कर पाते, हाँ जी अनिल सर बोलो, कुछ कह रहे हैं आप? अभी लेती हूँ सर आपका क्वेश्चन, आप तक आती हूँ, ठीक है। जब हम वास्तु, हाँ जी मैडम, अभी ये जो एस्ट्रो वास्तु है ना मैडम, अभी अगर एक घर में समझो एक 7-8 लोग रह रहे हैं तो हर किसी का एस्ट्रो अलग रहेगा, तो उसको मैच कैसे करेंगे, एक को प्रॉब्लम देगा जी, तो उसको मैच कैसे करेंगे, ठीक है। मैं बता रही हूँ आपको, एस्ट्रो वास्तु और महावास्तु दो तीन चीजें जो मेन एनर्जी फील्ड है वो सबके लिए सेम होती है। और एस्ट्रो वास्तु किसके ऊपर अप्लाई होता है, जिसका घर है और जो अर्निंग पर्सन, और उसके बाद अगर किसी के ऊपर घर में असर आ रहा है और किसी के ऊपर नहीं आ रहा तो उसका इंडिविजुअल रूम है ना, आप उसमें यूज करो। कौन सा मैडम? इंडिविजुअल रूम, हाँ यस। अभी मान लो अगर एक घर में 4 अर्निंग मेंबर्स है, 4 अर्निंग मेंबर्स है समझ लो एक घर में, तो फिर
एक ही घर में रह रहे हैं सब लोग, तो फिर वो इंडिविजुअल रूम्स के हिसाब से करेंगे। इंडिविजुअल रूम के हिसाब से करोगे, और सबसे बड़ी बात क्या, ये नॉलेज है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होने से तो आप उसको नहीं छेड़ोगे। आजकल मैंने बहुत से लोग भी ऐसे जो कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही, अपनी अच्छी चीजों को भी खराब कर लेते। अगर आपको सेक्टर प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है तो आप उस सेक्टर को नहीं छेड़ोगे, लेकिन आ रही है तो क्यों आ रही है, उसको आपको कनेक्ट करके उसे मैनेज करोगे। ओके ठीक है मैडम, वही तो। इसमें मैं आपको घर के बाहर का एनवायरनमेंट ये भी सिखाऊंगी, घर के बाहर का एनवायरनमेंट कैसा होगा, उसको कैसे ठीक कर सकते, क्या आपके बाहर का एनवायरनमेंट भी आपको परेशान कर रहा है तो आप उसको कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, वो भी सब हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, वेलकम सर। तो जब हमें वास्तु के हिसाब से करने के बाद भी चीजों के उपाय नहीं मिल पाते हैं तो हम एस्ट्रो वास्तु करते हैं, ठीक है। तो अगर हम अपनी दशा तो चेंज नहीं कर सकते, कोई भी इंसान अपनी दशा थोड़ी ना चेंज कर सकता, वो तो फिक्स है, लेकिन हम दिशा जरूर चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक रूम भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी हम बेनिफिट दिशाओं को यूज करके अपना फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को टाइम बर्थ नहीं भी पता होता तो भी कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रॉब्लम से कोरिलेट कर लेते हैं। जो मैंने इसमें नाड़ी के एस्पेक्ट ऐड करे ना, वो उससे अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस डायरेक्शन को, और बर्थ टाइम आपको नहीं पता तो भी आप कर सकते हो, डोंट वरी, तो उसको करके हम चेंज कर सकते हैं। तो अब जैसे कि अब वो जब हम चेंजेस करते हैं ना, महादशा में नहीं तो उसका छोटा पीरियड आता उसमें भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, बैठे बैठे दिमाग के अंदर आ जाता है, चलो हम पेंट ही चेंज करा लेते हैं, हम उसमें एंटी कलर करा दिया, जैसे साउथ के अंदर ब्लू कलर करा दिया या नॉर्थ के अंदर रेड कलर करा दिया, पता चला वहां से चीजें पसनी शुरू हुई। तो एस्ट्रो वास्तु एक बहुत अच्छी चीज है, आप प्रोफेशनल के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है, दूसरे अगर नहीं भी सीख उस चीज में भी जाते तो आपकी सुख संप्रीति और आपके अपने अच्छे जीवन के लिए भी ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत आसान टेक्निक है और बहुत आसानी से आप इसको सीख सकते हो अभी से आज। और मैं तो कहती हूँ अभी जल्दी सीखना चाहिए, क्योंकि अभी तो यू पीपल आर वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि मीन राशि के अंदर अपने जो जुपिटर बैठे हैं ये अप्रैल में चले जाएंगे, ठीक है। तो अप्रैल तक जो भी इस नॉलेज में रहता है उनको बहुत अच्छी नॉलेज, पिछले साल से आपने देखा होगा कि लोगों का एस्ट्रोलॉजी के प्रति काफी रुझान भरा है, पड़ा है, और काफी एस्ट्रोलॉजी लोगों ने की है। तो आपको कहते हैं ना, जब अपने घर में कोई होता है तो बहुत कंफर्टेबल होता है, इस टाइम गुरु भगवान जो अपने गुरु देव गुरु जो है अपनी ही राशि में चल रहे, तो आपको सीखना चाहिए। और ये किसी भी आप साइंस में हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, न्यूमरोलॉजी कर रहे हो, वास्तु कर रहे हो, या आप टैरो कार्ड कर रहे हो, या आप हीलिंग कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छा रेमिडियल पार्ट हो सकता है। प्रॉब्लम तो सबकी ऑलमोस्ट एक सेक्टर से डिफरेंट डिफरेंट वैसे ही आती है, तो आप उसमें उसको कर सकते हो साथ में। क्योंकि घर क्या होता है, घर हमारी खुद की एनर्जी है, लोग कितना भी कमा ले उनका क्या सपना होता है, हमारा घर कब आएगा, हमारी गाड़ी कब आएगी, यही होता है ना। अपने घर में जाके इंसान जो रिलैक्स करता है वो कहीं पर भी नहीं करता, इसका मतलब घर कितना इम्पोर्टेंट है। तो आपके ये आपको बहुत अपग्रेड भी कर देगा और आप यहाँ पर बहुत आसानी से अपनी चीजों को कर पाओगे, ठीक है। और तो मैं आपको एस्ट्रो वास्तु में बता देती हूँ मैं क्या क्या कराने वाली हूँ, ये बता देती हूँ मैडम। मैं शेयर कर दूँ स्क्रीन, शेयर कर दूँ? हाँ कर दो, फिर आपको डायरेक्शन है तो मैं आपको डायरेक्शन बता देती हूँ जी। ये 8 डेज की वर्कशॉप है जिसकी टाइमिंग है रात को 9 बजे से ये क्लासेस कंडक्ट होंगी, 9:01 से इवनिंग। एक ही बैच है इसका, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 और 28, यानी कि शुक्रवार शनिवार को ये चलेंगी। जो भी एस्ट्रो वास्तु में को सीखना चाहता है, इस विद्या को ग्रहण करना चाहता है, जो इस नॉलेज में को जानना चाहता है, सबसे पहले 2-3 मिथ है वो मैं हटा दूं कि हमें वास्तु नहीं आता तो हम ये कोर्स नहीं कर सकते, हमें एस्ट्रोलॉजी नहीं आती तो हम ये कोर्स नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट मैडम? यस, और मैं दोनों का ही टच थोड़ा थोड़ा भी सिखाऊंगी इसके साथ में। हाँ, दोनों की बेसिक फाउंडेशन का थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा आपको बताया जाएगा। इसके अलावा जो मैडम यहाँ सिखाने वाली है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 8 डेज की वर्कशॉप
शुक्रवार शनिवार चलेगी। इसके अंदर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स दी जाती है जिसका एक्सेस आपके पास 6 महीने तक रहता है, जो आप अपने मोबाइल पर ही देख पाते हैं। इसके अलावा स्टडी मटेरियल आपको मिलता है जो आप अपने मोबाइल पे देख पाते हैं 1 साल तक। सर्टिफिकेशन, ई सर्टिफिकेशन दिया जाता है जिसके आप प्रिंटआउट खुद निकाल कर उसको फ्रेमिंग करा सकते हैं, वो आपके पास लाइफ टाइम रहता है। एनर्जी एक्सचेंज 3540 है, पहले 15 पार्टिसिपेट के लिए ₹540 का डिस्काउंट है। 10 एंट्री आ चुकी हैं, बाकी 5 हैं, तो जो भी 5 पहले आना चाहें उनका स्वागत है ₹3000 में। पेमेंट डिटेल मैं अभी शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में, या फिर आप 7665559566, मैं नंबर को रिपीट कर रहा हूँ, 7665559566 पर आप पेमेंट डिटेल मांग सकते हैं, और वहां पर पेमेंट डिटेल लेने के बाद स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट पेमेंट का शेयर कर सकते हैं और अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। बाकी सबके लिए ₹3540 है, ₹3540 आप पे कर अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। इसमें मैं आपको ये सारे चीजें हैं जो मैडम अभी बताएंगी, लेकिन मैं इससे पहले आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूँ। कल हमारा एक एस्ट्रोलॉजी का भी वेबिनार है, और एस्ट्रोलॉजी का हमारा एक 5-स्टार कोर्स आता है मैडम का, जो मैडम पहले भी कंडक्ट कर चुकी है और बहुत ही बेहतरीन कोर्स होता है। अगर आप पूरा का पूरा बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, बेसिक टू एडवांस है, बहुत कुछ इसमें चीजें सीखने को मिलेंगी। इसका कोर्स कंटेंट भी चाहिए तो मैं आपको दिखा दूंगा। इसकी वर्कशॉप 9 जून से स्टार्ट हो रही है, ये पूरे 1 महीने का कोर्स है, जो कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, मंडे, ट्यूजडे और थर्सडे, ये 4 दिन ये लगातार चलने वाला है। 1 वीक की इसकी बोनस क्लासेस भी होंगी, मतलब 3 हफ्ते आपको ऑनलाइन क्लासेस जूम पे दी जाती हैं, और 1 वीक का जो जूम का सेशन रहेगा वो पूरा का पूरा आपका स्टडीज ली जाएंगी, आप ही अपनी प्रॉब्लम्स को बताएंगे और सामने वाले की सॉल्व करेंगे अपने क्लासमेट की। इसमें भी पहले 15 लोगों को ₹1111 का डिस्काउंट है। 6666 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। इसमें भी लगभग जिन्होंने भी कोर्स लिया है, दोनों साथ में लिए हैं, तो इसमें भी 10 एंट्री आ गई है, बाकी 5 के लिए आपके ₹1111 डिस्काउंट है। जानकारी सिर्फ आपको ये देना चाह रहे हैं कि जो दोनों कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो दोनों में 1111 और 540 डिस्काउंट के बाद ₹1651 डिस्काउंट होता है, लेकिन अगर ये दोनों ही कोर्स करना चाहते हैं तो ₹1000 का एडिशनल बेनिफिट भी है आपको। तो अगर दोनों ही आप करना चाहते हैं तो ₹2651 डिस्काउंट है सभी पार्टिसिपेट के लिए, जो भी करना चाहता है, तो ₹7555 देकर ये दोनों भी आप कर सकते हैं, जबकि इनका टोटल अमाउंट ₹10206 हो रहा है, तो लगभग 2500 से भी ऊपर का डिस्काउंट आपको इसमें मिल रहा है अगर कॉम्बो ऑफर आप लेते हैं तो। पेमेंट डिटेल 7665559566 पर आप ले सकते हैं, दोनों के कोर्स कंटेंट भी आप मेरे से मांग सकते हैं। सोनल मैम का बहुत बहुत स्वागत है, उन्होंने पेमेंट कर दिया है, बहुत बहुत स्वागत है सोनल मैम आपका। जी मैडम, आप कोर्स कंटेंट बता दीजिए, अगर आप बोलो तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूं, या आप वैसे नहीं, मैं वैसे बता देती हूं। मैंने आपने स्क्रीन शेयर कर दिया था ना, मैं आपको एक चीज और भी बताऊंगी। इस क्लास में ना हमने जैसे हमने वीकली क्लासेस में भी जो हमने टाइम रखा है उसको हमने इसलिए रखा है ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्या होता है कि जब लोग ना अपनी हॉरोस्कोप में ही लगे रहते हैं तो आपके पास टाइम रहेगा, आप अपनी करो, अपने क्लाइंट्स की करो, प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ। और जो इसमें लिस्ट भी होगी ना प्लैनेट्स की, उसको भी मैं एक एक को पढ़ाऊंगी, ठीक है। हमने 8 दिन की वर्कशॉप रखी है, सो डैट कि आप उससे जुड़ पाओ। ऐसे नहीं कि मेरे को लिस्ट देखनी पड़ेगी ये सामान है या नहीं, उस चीज को पकड़ के आपको उस कारक तत्व को पकड़ना है तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, आपको लिस्ट भी खोलनी नहीं पड़ेगी। तो जो इसमें कंटेंट करेंगे, और अभी मैं आपको डायरेक्शन बताऊंगी कि कितनी आसानी से आप कोई भी डायरेक्शन देख सकते हैं। उसके बाद जिन लोगों को हॉरोस्कोप देखना आता है तो कुछ लोग शेयर करेंगे कि हाँ हमारे यहाँ पर ये है या नहीं है, तो हम इसमें बताएंगे आपको वास्तु क्या होता है, फिर एस्ट्रो वास्तु क्या होता है, हम हॉरोस्कोप कैसे बना सकते हैं, ठीक है, डायरेक्शंस एंड प्लैनेट्स बताऊंगी, पारा राशि और उनकी डायरेक्शंस बताऊंगी। ये सिर्फ की पॉइंट्स हैं, इनकी डिटेलिंग रहेगी, काफी डिटेलिंग होती है इनकी, ठीक है। उसके बाद 12 हाउसेस देयर डायरेक्शंस इन एस्ट्रो वास्तु वो बताऊंगी, फिर पीएसी रूल एस्ट्रो वास्तु में कैसे अप्लाई होता है वो बताऊंगी, फ्रेंड्स और एनिमी कैसे हम देखते हैं वो बताऊंगी, प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स, कंजक्शंस एंड सब कुछ वो हम सब आपको बताएंगे, हाउ टू प्रिडिक्ट द करेक्ट स्पॉट एरिया, हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कारक तत्व ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है।
हाउ टू प्रिडिक्ट द जनरल एज वेल एज द आपका स्पेसिफाई एरिया, ठीक है. कास्टिंग ऑफ एस्ट्रो वास्तु चार्ट कोरिलेटेड विद दशा सिस्टम एंड हाउ टू ट्रीट, ठीक है, जिसमें आपको इसमें आपकी वो भी रहेंगी, सारी रेमेडीज भी रहेंगी. हम जो क्या बोलते हैं स्पेस सर्जरी करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी. तो ये सारा हमारा रहेगा, ठीक है जी. तो बहुत अच्छा कंटेंट है और बहुत अच्छी चीज है, आप सब लोग सीखिए, बहुत आपको इसमें बेनिफिट मिलने वाला है. जी मैम प्लीज. डायरेक्शन बताती हूँ क्योंकि वैसा लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो पता नहीं होता तो फिर वो गलत गलत ही रहता है. ठीक है, मैं एक बार सिंपल डायरेक्शन आपको बताती हूँ क्योंकि कोई भी होरोस्कोप हमारा ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना जी. जी 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 ये फर्स्ट होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, ठीक है. इसके हम प्लैनेट की पोजीशन देखते हैं तो ये होता है हमारा ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन पिक सही सारे डायरेक्शन, ठीक है. ये होता है हमारा नॉर्थ वेस्ट, ये होता है हमारा साउथ, नॉर्थ ईस्ट, ये होता है ईस्टर्न वॉल. ये सारे मैं आपको रटवा दूंगी, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रिक से याद करा दूंगी. नॉर्थ, साउथ वेस्ट, ये साउथर्न वॉल, ये होता है आपका, ये वैसे ब्रह्म स्थान भी होता है, और ये होता है आपका वेस्ट, वेस्टर्न वॉल, और ये होता है आपका साउथ ईस्ट, ठीक है. तो अब यहां से बैठ के अपने किसी का भी होरोस्कोप देखा, फॉर एग्जांपल मैंने कोई बैठा है जिसको मैं जानती हूँ, यहाँ पे नीता मैडम बैठी है ना शायद, नीता, नीता मैम, कोई भी एक जन अपना हैंड रेस कर लो. सोनल मैम है, रोमी मैम है, कोई भी एक जन अपने हैंड रेस करके मुझे अपने प्लान तो मैडम सबके ही है, अनम्यूट किसको करूं, किसको पता है, जिसको पता है. अच्छा जिसको पता है, सोनल मैम को पता है, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी की है. बताओ अपने प्लैनेट्स बताओ. राधे राधे मैम. राधे राधे. लगन में क्या आपके? लगन में मंगल, पांच पांच नंबर की राशि है, लगन में मंगल है. ओके. और सेवेंथ हाउस में जुपिटर. ओके. एट्थ हाउस में मून. नहीं नहीं, सेकंड हाउस में क्या ही बताओ. सेकंड में नहीं है. अच्छा थर्ड में? थर्ड में भी नहीं है. फोर्थ में? राहु, राहु महाराज में नहीं है सर, ना सॉरी मैम, नहीं है कोई भी. अच्छा सिक्स में? सिक्स में भी नहीं है. सिक्स में भी नहीं है. सेवन में जुपिटर है. एट्थ में? मून. मून है. ओके. नाइन में? नहीं. टेन में? सिर्फ केतु. केतु नहीं, टेन में, हाँ टेन में केतु हो गया. इलेवेंथ में? इलेवेंथ में सैटर्न और वीनस. सैटर्न और वीनस, ठीक है. एंड ट्वेल्थ में सन? सन एंड मरकरी, ठीक है. ये आपका, आपके नॉर्थ ईस्ट में क्या है? नॉर्थ ईस्ट मैम बालकनी है. कोई टॉयलेट?
हाँ मतलब टॉयलेट नहीं है, वॉशिंग एरिया है, गंदे कपड़े धुलते हैं वहाँ। हाँ अच्छा ठीक है। और साउथ में क्या है? साउथ में टॉयलेट है। आ गया ना। अभी मैंने आपका घर कभी देखा है, आपसे कभी बात हुई है मेरी इस रिगार्डिंग? नहीं कभी हमने नहीं। यहीं से पकड़ लिया। ओके क्योंकि और साउथ में एट हाउस में तुम्हारा मून है तो इसका मतलब कोई ना कोई वाटर है। आप लोग भी ऐसे ही दो मिनट में देख के किसी के होरोस्कोप। और अभी आपकी दशा कौन सी चल रही है? मैम सूर्य की चल रही है। आपकी सन की महादशा चल रही है। ओके जी। और अंतरदशा? मरकरी। मरकरी ठीक है। साउथ ईस्ट में कुछ ग्रीन तो नहीं करा आपने? साउथ ईस्ट में कुछ प्लांट वगैरह लगे? नहीं साउथ ईस्ट में नहीं है, वो नॉर्थ ईस्ट में है प्लांट। शिफ्ट कर दिए होंगे ना, क्योंकि आप तो वैसे वास्तु वगैरह सब जानते हो, तो जो जानने वाले होते हैं उनके आगे तो प्रेडिक्शन हो जाती है ना। नहीं साउथ ईस्ट में कोई ग्रीन नहीं है मैम। अच्छा कोई टूटे खिलौने वगैरह कुछ साउथ ईस्ट में? बुक्स पहले था, टूटा हुआ सामान रखा हुआ था, फिर हटा दिया। ठीक है। अब आपको ना इसको तो ब्लॉक ही करना पड़ेगा। ठीक है ईस्ट में जब वाटर है ना इसको आप, वो मैं आपको बताऊंगी जब आप कोर्स में आओगे कैसे इसको शिफ्ट कर। ठीक है ठीक है मैम। ठीक है कहेंगे या हम इसके ऊपर कौन से कलर की वो करेंगे कि आपका ये बैलेंस। ओके मैम। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू मैम बहुत ही एक्यूरेट इसमें पता चल जाता है। बस आपका अभी जैसे कि टेंथ हाउस में केतु दिखाई दे रहा है ना जी, तो कहीं ना कहीं वेस्ट की दीवार पे अगर कोई क्रैक्स आए तो उसे ठीक करा लो। हाँ है मैम। ऐसे ही वेलकम, किसी का विजिट करे बिना आप लोग उसको ठीक कर सकते हो सिर्फ होरोस्कोप से बिना किसी के घर जाए। क्या बात है। तो आपकी दीवारों पे भी कहीं ना कहीं से ही ला रही होगी। साउथ में पानी है तो आपका थोड़ा मन भी व्यस्त होगा और आपका बारहवें घर में सूर्य चल रहा है तो आपकी रोशनी में भी फर्क आएगा। लेकिन यही बारहवां घर में आपका जो चल रहा है आपको विदेश यात्रा भी कराएगा। विदेश मैडम जाने ही वाली है। विदेश यात्रा मैडम करने ही वाली। बिल्कुल सही है सोनल मैम। अनम्यूट करो देखो विदेश यात्रा पूछो मैडम जी। सोनल मैम सर मैम ने जैसे बोला विदेश यात्रा, मैं विदेश में ही हूँ, मेरी बेटी के पास यूके में हूँ। मैडम बारहवें घर का जो होता है ना मरकरी वो आपको फॉरेन में कराता है और आपकी बारहवें घर की वो चल रही है दशा। तो ऐसे आप करोगे बस आपको आपको ये करना है अभी अपने छत के ऊपर कोई कबाड़ा नहीं रखना, कोई कबाड़ा नहीं जोड़ना, साउथ ईस्ट में कोई ग्रीन कलर नहीं करना, कोई प्लांट नहीं रखना, उसको आप नहीं करोगे। ठीक है। तो पहले कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पहले क्वेश्चन पूछे, फिर मैं आपको कुछ इस साल की एस्ट्रो वास्तु की कुछ चीजें बताऊंगी क्योंकि बहुत बढ़िया समय आ रहा है ना। आप लोगों को पता है कि अभी इसी मंथ में जनवरी में ही इसका ट्रांजिट होने जा रहा है। 17 जनवरी से शनि का ट्रांजिट होने जा रहा है। शनि किस राशि में आ रहे? कुंभ राशि में आ रहे। ठीक है। कुंभ राशि उनकी अपनी प्रिय राशि है। जिन लोगों ने भी 1.5-2 साल से मेहनत करी है अभी इच्छा पूर्ति का टाइम आ रहा है। अच्छा। तो यस आपको पता होगा जब 30 साल पहले हमारी मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड बनी थी 1992-93 की बात है वो। 30 साल बाद शनि महाराज जी आ रहे अपनी राशि के अंदर। अच्छा। सबसे पहले तो मैं दो लोगों का और स्वागत करना चाहूंगा। एक रेणु गुप्ता जी है उनका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आपने हम पे ट्रस्ट किया है, आपके पेमेंट रिसीव हो गया है। और अनिल एच एलवानी जी से अभी अभी बात कर रहे थे, उन्होंने भी पेमेंट जमा किया। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत स्वागत है आप लोग। और आप लोग सच में बहुत कुछ आप एड ऑन कर पाओगे तो अभी तो इस बार इस साल अभी सब लोग अपनी अपनी वेस्ट पे कुछ भी इच्छा लेके ना वेस्ट पे वेस्ट की दीवार पे लगा दो। इच्छा पूर्ति का समय आ रहा है। ठीक है। जितनी भी लोगों ने मेहनत करी है नई नई टेक्नोलॉजी आएगी नई नई चीजें आएंगी
बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको कुछ अवेयरनेस भी बताऊंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ज्योतिष और ये चीजें साथ साथ चलती हैं। आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, आपको अपने घर में भी कौन सी चीजों का ध्यान रख, तो आपको वो चीजें थोड़ा कम आती है। पहले कोई एक दो क्वेश्चन ले ले क्या? हाँ, एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं मैडम। पहले कुछ नए लोग हैं जिनके पास बैंक डिटेल नहीं है शायद, प्लीज आप एक मिनट, जो भी हाँ जो भी नए लोग हैं उनके सामने हमने बैंक डिटेल दी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको पेमेंट करना हो तो पेटीएम, गूगल पे, फोन पे या बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम के लिए आप 9675176666, इसी पे गूगल पे और इसी पे फोन पे है। स्क्रीनशॉट आपको 7665559566 पर शेयर करना है जी। धन्यवाद, अगर आपने ले लिया हो तो मैं इसको हटा दूं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दो मिनट दीजिए मैडम, आ जाएं जब तक। कोर्स कंटेंट के लिए आप ये ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, अगर आपको लेना है। समय नहीं है, कल से ही स्टार्ट है, कल रात को 9 बजे से, तो एज सून एज पॉसिबल अपनी सीट को रिजर्व करें जी। पुरुषोत्तम आप आ गए जी, क्वेश्चन ले कि आप कुछ बताने वाले हो मैडम? एक तो क्वेश्चन ले लेते फिर इनको बताएंगे एस्ट्रो वास्तु के बारे में। आपकी अभी तो नेहा जैन जी से बात कर लेते हैं। नेहा जैन जी नमस्कार, राधे राधे, जय जिनेंद्र, अनम्यूट करें मैडम। मुझे 2 मिनट देना, मैं वास्तविक क्लास, आपका शायद वीडियो आप वीडियो बंद कर लो अपना शायद, आई थिंक आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। मैम जैसे अभी आपने बताया है आपने, हेलो, आप अपना वीडियो बंद कर लो। हाँ बोलिए। हाँ जी मैम, हमारे ब्रह्म स्थान में राहु आता है जो आपने अभी बताया है, तो उससे क्या हो, क्या इफेक्ट आता है जी? आपके ब्रह्म स्थान में कुछ दीवार, कुछ क्या है आपके ब्रह्म स्थान में, कुछ कुछ बनाया हुआ है आपने, टॉयलेट बनाया हुआ है, कोई बाथरूम की दीवार आ रही है, कोई पिलर आ रहा है, क्या आ रहा है? नहीं मैम, फ्री है मैम, वो तो सीढ़ी है, खाली है बिल्कुल, सीढ़ियां वगैरह कुछ नहीं है? नहीं जी। कोई सामान भर के तो नहीं रखा हुआ, स्टोर तो नहीं करके रखा हुआ? बच्चों की बुक्स रखी हुई है मैम। बुक्स के अलावा कुछ और देखो, कोई इलेक्ट्रिक आइटम, कोई बंद हुआ हुआ? अगर आपके अगर आपके सेंटर में आ रहा है राहु तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। आपने कुछ ठीक कराया है उसको? आप अपना ठीक से काउंट करो। मैम ऊपर ना अलमारी है, थोड़ा सा बहुत हल्का सा जगह बची हुई है, और वैसे वहां पर अलमारी बनी हुई है। हाँ तो वो कबर्ड बनवाया, ठीक है, तो वहां पर आप ना वो है आपको, तो आपको उसको थोड़ा ब्लॉक कर दोगे ना तो आपको होगा। आपके आपके घर में ये जो आपका हाउस है ये किसके नाम पे है? फादर इन लॉ के नाम पे है? नहीं मैम, मेरे और मेरी मदर इन लॉ के नाम पर है जी, दोनों के। अच्छा ओके। पेट, आपको पेट की प्रॉब्लम रहती है क्या? हाँ जी मैम रहती है। ठीक, इसको थोड़ा सा आपको ब्लॉक करना, ये थोड़ा सा कलर थेरेपी का यूज करना होगा। हाँ जी। एक मैम हमने फ्लोर पे ब्लैक टाइल्स लगाई हैं, उसका भी क्या इफेक्ट आता है जी? ब्लैक टाइल्स नहीं यूज करनी चाहिए, हर जगह नहीं कर सकते आप। हमेशा ना ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग, आप पेस्टल कलर्स यूज कीजिए, और घर में ना क्योंकि दशाएं अंतर दशाएं चेंज होती रहती है, ऐसा कलर यूज करो। कभी कभी बहुत अच्छा पीरियड होता है तो कुछ पीरियड के लिए आपको वो इफेक्ट दे देते हैं, लेकिन बाद में ही वो चीजें आपको नेगेटिव इफेक्ट दे देती है। जैसे आपको मैं बताती हूँ कि जो दिशाएं होती है ना वो चेंज होती है, आपके एस्ट्रो वास्तु में भी वो सब एप्लीकेशन होता है। मान लो अभी आपका मरकरी का पीरियड चल रहा है, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे केतु का पीरियड आएगा आपको सारी चीजें एकदम से है। ठीक है, नीता मैम का भी स्वागत है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, बहुत बहुत स्वागत है मैम जी। मैम प्लीज दूसरा क्वेश्चन ले ले। हाँ जी क्वेश्चन ले लो फिर मैं इनको बता सकती हूँ। हाँ बात करते हैं मीनाक्षी कौर करे जी मैडम से। मीनाक्षी कौर के मैम नमस्ते। मैम नमस्ते। राधे राधे मैम।
मैम मैम मेरे घर में मेरे हस्बैंड को मैम 4 मंथ पहले पैरलिस हो गया था। 4 मंथ पहले पैरलिस मैम। ऐसा इतना बड़ा हेल्थ इश्यू क्यों हो गया मैम इतना बड़ा सा? लेकिन वास्तु का पूरा मैंने मैं पूरा सॉल्यूशन किया है मैम, तो इतनी बड़ी मुसीबत हेल्थ इश्यू गड़बड़ी। डेट ऑफ बर्थ बताइए मैडम, डेट ऑफ बर्थ बताइए मैम। 18/1। दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी ना मैडम, दशा आप क्या चल रही थी आप? एक सेकंड फिर मैं अपना ये सॉफ्टवेयर वो ले लूं जरा। ले लीजिए ले लीजिए। आप बोलिए मीनाक्षी, आप म्यूट हो गए, अनम्यूट कीजिए प्लीज। ओके मैम, ओके सर, सॉरी। 81 97। नहीं नहीं, नाम बोलो पहले। विनाश कोले। विनाश, ओके। डेट ऑफ बर्थ 18/1/1971, 6:30 AM, गुलबर्गा, कर्नाटक। नहीं नहीं, देखो आपने मुझे डेट ऑफ बर्थ आप एक बार ही पूछे, दोबारा से रिपीट करो डेट ऑफ बर्थ। 18/1/1 मतलब 18 जनवरी। 18/1/18 जनवरी। हाँ 18 जनवरी 1975। ओके, टाइम बताओ। 6:30 AM। प्लेस बताओ। गुलबर्गा, कर्नाटका। कर्नाटका। अभी कैसे है वो? अभी नॉर्मल है, लेकिन दवाई अभी चालू है दवाई। अच्छा। तो लेकिन मैं राइट थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, ऐसा बीच बीच में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ रही है। कोई नहीं, एक सेकंड दो मुझे। आपका 6:30 इवनिंग का है मॉर्निंग का है? ये मॉर्निंग का है। मॉर्निंग। कर्नाटक की और कोई सिटी? और कुछ आपकी सिटी कौन सी बताई थी आपने? वही गुलबर्गा। गुलबर्गा कर्नाटका। कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट। कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट। आपके मैडम एक बात बताओ, आपके नॉर्थ में और साउथ ईस्ट में क्या है? नॉर्थ में स्टेयर्स है मैम, और क्या मैम? नॉर्थ में स्टेयर्स से और मैम उसी ने प्रॉब्लम दी है, वो पीरियड चालू हुआ और उसने प्रॉब्लम दे दिया। थोड़ा साउथ ईस्ट पार्ट्स नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा पार्ट्स नॉर्थ ईस्ट में भी आ रहा है वो उसी ने प्रॉब्लम करी है। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, वही मैंने अभी आपको बताया ना, आपने जब ये अभी पढ़ा, क्योंकि आपके साउथ ईस्ट में भी किचन में भी आपकी एनर्जी डिस्टर्ब है, ठीक है? किचन आपकी कहीं गलत प्लेस पे बनी हुई है, या आपका दोनों ही एनर्जी आपकी है, जैसे ही उनका वो पीरियड शुरू हुआ है ना, तो उसने उसको उनको परेशान कर दिया, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम पहले नहीं आ रही थी अब वो आ रही थी। तो अभी आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्टेयर्स पे आपको, अभी मैं आपको कैसे बताऊं,
स्केस में मैम कैसा है, घर का घर के लोग कुछ भी नहीं करते दिखते मैम, सास ससुर है सास। मैडम ग्रहों को अभी हाँ जी हाँ, अभी मैं आपको रेमेडी भी बता रही हूँ और आप एक रेमेडीज भी कर सकते हो, लेकिन आपको ना इसकी एनर्जी को ब्लॉक करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि अभी वो उनको इम्पेक्ट कर रही है, और थोड़ा सा आप इनको ऐसा करो, इसको तो आपको ब्लॉक करना ही पड़ेगा। और हाँ जी ब्रेन का बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था मैम 2005 में, तो मैम इससे तकलीफ ब्रेन का भी उनको प्रॉब्लम हुआ है। एक काम करो अभी अभी सुनो अभी आप अभी फिलहाल के लिए आपने क्या करना है, आपने ईस्ट के अंदर अपने ईस्ट के अंदर ना आपका जो ईस्ट है उसके अंदर तुलसी के पौधे लगा दो, ठीक है, तुलसी के पौधे लगा देना आप, है ना, छोटे छोटे पोट लगा देना, 5 पौधे लगा दो तुलसी के, और साथ में अभी जो जहां पर आपका स्टेयर आ रहा है ना स्टेयर के ऊपर आप नॉर्थ में छोटी सी ब्लू कलर की लाइट लगा दो फिलहाल के लिए, लेकिन आपको ब्लॉक करना ही पड़ेगा उसको, आपको कट करके या उसको शिफ्ट करना ही पड़ेगा, वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अभी इतना करो, साथ में आपने डॉग को फीड्स कराना, डॉग को फीड कराना है, ठीक है, डॉग को फीड कराओगे मिल्क चलेगा मैम, मिल्क कुछ भी दो आप, डॉग को फीड कराओ, डॉग को फीड कराओ, और जो है ना गणेश जी के पाठों का चैंटिंग कराओ, ठीक है, और सैटरडे के दिन पे ऐसे ऑयल को रख के ना आप जो है अपने हस्बैंड की वो देखेंगे उसकी उसके अंदर अपना फेस देख के, और उसको बाहर मंदिर में रखवा दो, ठीक है जी। अभी के लिए मैं आपको ये 2-3 चीजें बता रही हूँ, फिर आप बाद में अगर वो करते हो। इसमें ये अभी एस्ट्रो वस्तु है मैम, इसमें प्रोफेशनल भी होता है मैम, प्रोफेशनल जरूरत ही नहीं है, ये इसमें सब हो जाएगा। ओके मैम, ओके मैम। और आपके घर के पास पार्लर, घर के पास आसपास आपके पार्लर वगैरह है, स्कूल है, बच्चों का किताबों की शॉप है, स्कूल है, स्कूल है, ठीक ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट जी जी मैम, जी 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 जी, थैंक यू जी, राधे राधे जी। मैडम आप कुछ बताना चाहते थे बता दीजिए। ठीक है बता देते हैं, ठीक है। अनिल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? अनिल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं जी। अनिल मैडम अभी वास्तु का जो मेन टॉपिक रहता है वो बोलते हैं रेड बल्ब, जो रेड बल्ब साउथ ईस्ट में जलाते हैं तो वो किसको सूट करते हैं और किसको सूट नहीं करता है मैडम, वो भी आपको पता चल जाएगा। अगर आप ऑलरेडी मांगलिक हो, 12th हाउस में आपका मंगल बैठा है, ठीक है, 12th हाउस में मंगल बैठा है आपका, और आप साउथ ईस्ट में बल्ब भी लगा देते हो तो आपको उल्टा ज्यादा तक मैडम। अनिल सर मैं ये बोल रही हूँ, वो मैं बताऊंगी आपको, आप तो आ ही रहे हो कोर्स में, कुछ सुना नहीं आ रहा मैडम। मैडम सर आपका नेटवर्क थोड़ा इशू है, मैडम कह रही है क्लास में बता दूंगी मैं। मैंने कहा जिसका और एक आपसे सवाल है सर। मेरे से जी बोलिए बोलिए जी। टाइमिंग थोड़ा लेट कीजिए सर, 9:00 बहुत जल्दी हो जाता है, सर्दी का समय है सर, ग्रहणियां हैं, उनको रात को फिर सुबह जल्दी भी उठना होता है, इसीलिए 9 बजे रखा है कि 10-15 मिनट आप एडजस्ट कर लो, 10-15 मिनट ग्रहणियां, अगर 9:15-9:30 रखते हैं ना 9:10-9:15 घर पहुंचता सर, इसके लिए वो तो 9:15 तो हो ही जाता है ना सर, आपको पता ही है, फिकर मत करो आप सर, लास्ट टाइम फिकर मत करो सर, 9:01 का टाइम रखा है, 9:05-9:10 पे ही स्टार्ट होती है, आप फिकर मत करो। ओके कोशिश करेंगे अगला जो भी होगा ना उसको 9:15 पे ही रखेंगे, लेकिन एक्चुअली क्या 15 मिनट लेट से फिर 11:30-11:12 हो जाती है, तो फिर वो ग्रहणियां परेशान होती है और कुछ नहीं है, माताओं बहनों का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए एक ऐसा स्टैंडर्ड टाइम निकाला है ताकि आप भी थोड़ा 5-7 मिनट एडजस्ट कर लें, 5-7-10 मिनट वो भी कर लें। माताएं बहनें तो कहती है 5:30 बजे रख लो, लेकिन हम कहते हैं हमारे पुरुष भाई हैं वो भी तो काम धंधों से आए, सभी के लिए जरूरी है ना जी। मैडम आप क्या बताने वाली थी बताइए अब आप। मैं बता रही हूँ अनिल सर अगर 12th हाउस में मंगल है ना आपका, तो आपको साउथ ईस्ट में 12th हाउस में अगर आपका मंगल है तो आपको बल्ब नहीं लगाओ, ठीक है, ठीक है। अभी मैं आपको ये बताने वाली थी कि अगर किसी के अभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो आप एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग क्या क्या कर सकते हो, आप लोग चेक करना, अपने भी चेक करना,
आपके क्लाइंट के भी चेक कर सकते हो कि अगर आप वो लोग अपने बेडरूम में कोई पुरानी घिसी पिटी बेडशीट बिछा रहे हैं तो उसको हटवा दो, उनको बोलो नई बेडशीट बिछाना शुरू करो। मैं आपको इसका रीजन भी बता देती हूँ, मैं साइंटिफिकली बात करती हूँ, मेरे गुरुजी ने मुझे साइंटिफिक हर चीज सिखाई है, मैं भी आपको साइंटिफिक बताऊंगी। ठीक है, जो केतु है ना वो तुला राशि में चल रहा है, एवरीवन कैन सी ऑन द गूगल ऑल्सो, और जो भी जानते होंगे वो पता ही है। और केतु का मतलब क्या होता है, कटाव देना, हर चीज से कटाव देना। और वीनस के साथ उसकी दोस्ती नहीं है, वीनस जो होता है मनी होता है, ठीक है, और केतु जो होता है उससे उसको अलग करता है। और वीनस हमारे घर में क्या होता है, रिलेशनशिप में बेडरूम होता है, तो हम वीनस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो बेडशीट वगैरह अगर कोई पुरानी है, अभी हाल फिलहाल के लिए आप थोड़ा उस पर नई बेडशीट यूज करना शुरू कर दीजिए। अगर बेडरूम के अंदर कोई भी धार्मिक पुस्तक रखी है, कोई भी धार्मिक तस्वीर लगी हुई है, कोई भी ऐसी चीज लगी हुई है तो उसको आप हटा दीजिए कृपा करके। और दूसरा, घर रूम को पूरे दिन में 2 से 3 बार जरूर अरेंज करें, रूम को फैला के नहीं रखना। तीसरा, उसके अंदर रोज वाटर या रोज ऑयल का स्प्रे करें। और कोई अगर यंग है और वो नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम लेके बैठा है तो भी उसको इस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो उसको नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम, अगर उसका बाय चांस कोई ऑप्शन नहीं है तो वो अपने बेड को साउथ की साइड, साउथ वेस्ट की साइड कर ले। तो अगर वहां पर उसका जो बेडशीट्स वगैरह है वो यूज करे, थोड़े ऐसे वाले जो थोड़े से शाइनिंग वाले कलर्स होते हैं, थोड़े क्रीमिश कलर होते हैं, वो वाले कलर्स को वो यूज करें, ठीक है। और अगर आपका पैसा रुका हुआ है, चीजें नहीं आ रही है, चीजें हो नहीं पा रही है, घर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, मनी भी कहीं से वापस नहीं आ पा रहा, तो आप अपने ड्राइंग रूम को एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से चेक करें। जितना भी टूटा फूटा सामान कहीं पर पैकेट्स में बंद करके रखा हुआ है, ऐसी कोई वायर्स रखी हुई जो यूज नहीं हो रही, ऐसे कुछ मोबाइल्स के पुराने रखे हुए हैं जिसका हमें आगे कोई यूज नहीं होना, अगर आपके पास कोई ऐसे मोबाइल्स रखे हुए जो काम के हैं और आप उसको कभी जरूरत पड़ेगी तो काम में आ जाएंगे लेकिन वर्किंग है, तो एटलीस्ट उसको हफ्ते में एक बार जरूर चलाओ, 1 घंटे 2 घंटे उसको ऑन करके, कुछ नहीं तो गूगल ही देख लिया, बट उनको नॉन वर्किंग मत रखो, नॉन वर्किंग रखोगे तो प्रॉब्लम आएंगी। दूसरा, अगर किसी भी आपका फर्नीचर का कोई भी लैग हिल रहा है, कोई भी ऐसे आवाज आ रही है तो उसको भी ठीक कराओ, अगर कहीं क्रैक्स आ रहे हैं तो उसको आप ठीक कराओ। और अपने ड्राइंग रूम को भी जरूर आप लोग क्लीन जरूर करो। तीसरा एक चीज और है कि इस ये जो ईयर आ रहा है, मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी आपको बता रही हूँ, एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से भी बता रही हूँ और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी बता रही हूँ, ठीक है। ये जो हमारा समय आ रहा है ये कैसा आएगा, थोड़ा सा ये इमोशनल आएगा, जहाँ माइंड काम नहीं करता, जहाँ दिल काम करता है, ठीक है। हम लोग अपने दिल से डिसीजन लेंगे, माइंड से डिसीजन नहीं लेंगे। तो इस साल में गणेश जी की पूजा करें जरूर, क्योंकि सारी ऑनरशिप जो है इस ईयर में गणेश जी के पास है। दूसरा, आपके जो मनी ब्लॉकेजेस हैं, मनी का जो फ्लो रुका हुआ है, उन सब के लिए भी आप केतु की रेमेडीज करें। केतु की रेमेडीज में आप स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, स्ट्रीट डॉग को फीड कराएं, डॉग्स की सेवा करें, गणेश जी की आराधना किसी भी रूप में, चाहे गणेश जी का आपको कोई भी पाठ अच्छा लगता है आप उस पाठ को करें। तीसरा, आपकी अगर बॉडी में कभी भी किसी के भी इंफेक्शन हो तो फटाफट तुरंत से डॉक्टर को दिखाएं। चौथा, आप एक काम और कर सकते हो, जो लोग जिनके मतलब कि हैंडीकैप्ड हैं, एक पाँव में प्रॉब्लम है, एक हाथ में प्रॉब्लम है, उनको दिल से फीड कराएं इस टाइम पे। अभी जैसे विंटर्स है तो उनको ब्लैंकेट्स दें, तो आपको बहुत अच्छी ये केतु की रेमेडी है, जो उनके दिल से चीजें निकलती हैं वो काफी आपको हेल्प करती है। या जो लोग ऐसे आश्रम्स होते हैं आप उनमें भी करा सकते हो, लेकिन इस टाइम पे अपने बेडरूम में काले वाइट, ब्लैक एंड वाइट बेडशीट्स होती हैं उनका यूज ना करें। अपने ड्राइंग रूम के अंदर ब्लैक एंड वाइट, स्पेशली 2 कलर्स का, इनका यूज ना करें, इनको अवॉइड करें। अपने पहनने में भी थोड़ा ब्लैक एंड वाइट का अवॉइड करें, जो 2 कलर मिक्स होते हैं, तो आप देखो कि आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी होती है। बच्चों के थोड़ा नजदीक रहें, बच्चों से बातें करें, क्योंकि ये वाला जो हमारा टाइम है ये थोड़ा इमोशनल ब्रेकअप्स का है, तो सपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है जी।
हाँ जी पुरुषोत्तम जी कहाँ गए? हेलो, हाँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैडम आवाज आ रही है बिल्कुल। हाँ तो मैंने आपको, अगर कोर्स से रिलेटेड अब किसी को कोई क्वेश्चन है क्वेरीज के अलावा, कोर्स से रिलेटेड है तो अब वो अपना हैंड रेस कर सकता है। अब क्वेश्चन कोर्स से रिलेटेड अगर किसी को कोई भी है, सिर्फ वही हैंड रेस करें जिन्हें कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। मीनाक्षी कोलकर जी, जी राधे राधे मैडम, बताइए आप। मैम इवनिंग तक कर सकते हैं ये फीस, इवनिंग तक दे सकते हैं? हाँ हाँ मैडम, फीस आप इवनिंग तक कर दीजिए, कोई बात नहीं, आप मुझसे बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके कल तक कर देना आप, ठीक है? 766-555-9566 ठीक है मैम, ये नंबर नोट डाउन कर लो आप, ठीक है मैम? ओके, कोर्स से रिलेटेड किसी भी कोई क्वेरी हो बाद में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, हैंड डाउन कर लीजिए आप। सर्वेश जी नमस्कार, सर आप ऑडिबल नहीं है, आप ये ईयरफोन निकाल लीजिए प्लीज, ईयरफोन निकाल लीजिए। हाँ निकाल दिया, निकाल जी जी अब अच्छा, आ रही है। मैं कह रहा हूँ एस्ट्रो वास्तु वाले जो कोर्सेज में एस्ट्रोलॉजी का कितना इनपुट रहेगा? हाँ ये मैडम का क्वेश्चन है, मैडम आप बताइए कितना इनपुट एस्ट्रोलॉजी का कितना वास्तु का रहेगा? देखो एस्ट्रोलॉजी का सिर्फ आपको इतना ही रहेगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ट में कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है। उसके अलावा भी क्योंकि मेरा पेशन है थोड़ा ज्यादा कराने का, मैं आपको उसके 12th हाउस पढ़ाऊंगी ताकि आपको ये पता चले कि सामने वाले बंदे को प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, भाई बहनों से आ रही है, कहीं उसने साउथ के अंदर पता चले बहुत सारे चक्कू नाइफ छोटी छोटी तलवार या कुछ ऐसा रखा हुआ है तो वो रिलेशंस कट हो रहे हैं, है ना? तो मैं आपको वो 12th हाउस का पढ़ाऊंगी। उसके अलावा हमें दशा सिस्टम वेरी इजी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ है भी। और बाकी सर कुछ भी नया करने जाते हैं तो थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ता है। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल मेहनत नहीं मैम, थोड़ा सा मेरा एक क्वेरी ये था, जैसे जो दिमाग में मेरे बात चल रही थी, जैसे अगर जो प्लैनेट्स में जैसे होता नहीं कि ये ग्रह वीक है ये अच्छा है, उसी के अकॉर्डिंग वास्तु, जैसे ये ग्रह थर्ड हाउस में मान ली फॉर एग्जांपल कोई ग्रह वीक है या फोर्थ में, तो ये जानकारी मिलेगी ना कि ये हाउस कैसे देखते हैं वीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग। हाँ यही मेरा क्वेश्चन बस, और कोई विशेष नहीं। देखो अगर आपका प्लैनेट स्ट्रांग होगा वो प्रॉब्लम देगा ही, तो जब वो वीक प्लैनेट होगा, प्लैनेट तो चेंज नहीं होगा, प्लैनेट तो वही रहेगा, उससे रिलेटेड चीज को हम उस जगह पे जहाँ पर वो या तो उच्च का होता है मतलब जो एग्जॉल्टेड होता है, या वो अपने ऑन हाई हाउस में होता है, या वो फ्रेंड के हाउस में होता है, जैसे हम कंफर्टेबल होते हैं ऐसे ही प्लैनेट को कंफर्टेबल करते हैं, ठीक है? मैम ये रिकॉग्नाइज हम लोग कर पाएंगे ना, मतलब कि ये प्लैनेट हमारा खराब है ये रिकॉग्नाइज कर पाएंगे ना? नहीं तो कोर्स करने का फायदा क्या है? नहीं नहीं कोर्स करने के बाद रिकॉग्नाइज कर लेंगे ना ये चीज हम, बिल्कुल करोगे। मैंने बोला ना कि जैसे जनरली मैंने देखा कि लोग ना उसकी वो दे देते हैं लिस्ट के आप चेक कर लो, बट मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी पढ़ाऊंगी ताकि आपके माइंड में बैठ जाए, आपको ढूंढना ना पड़े भाई। अगर लैंडलाइन फोन है तो ये मरकरी का है ना, अगर मोबाइल फोन बंद है तो वो राहू का है, काम नहीं कर रहा, ठीक है? अगर वो काम कर रहा है ऑपरेट नहीं हो रहा तो वो ब्लॉकेज का है, वो फिर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सैटर्न का आ जाता है, आपको ऐसे हर चीज बताई जाएगी। ओके मैम थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू। बात करते हैं संगीता सिंघानिया जी से। मैडम आपकी आवाज भी नहीं आ रही, अगर ईयरफोन हो तो हटा लीजिए। राधे राधे जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन क्लास से रिलेटेड नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ अपना क्वेश्चन? नहीं मैडम अभी क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है और जो भी आपकी क्वेरी है क्लास से रिलेटेड नहीं है सर। ओके नेक्स्ट टाइम थैंक यू। रवि किशन जी, रवि किशन सर गुड इवनिंग, दिस इज रवि कुमार फ्रॉम बैंगलोर। यस सर। सर विल यू टीच 16 zones also astro vastu or only this madam? And because we are practicing 16 zones, if you are teaching in 16 zones it will be useful to us. Actually sir we will not teach 16 zone, it is the part of the vastu,
but if okay. you say the queries about that, I will definitely teach you and will correct the things whatever you want to know. And when we say about the key, if there is any problem in the east, you can look at the all the like entry. Okay. 32 entries. You can east. If I say ki there is a problem in east, if your entry is by east, you can see ki where it is from E3, E4, E5, other than E1. That creates a problem. Okay. And you will teach heat theory also, madam? Heat theory? Sir, is it, yes, sir, aspect is the heat theory. Okay. You will teach that also, madam? Yes. We will cover their aspect, congestion, and aspect, congestion, and placement. And you are teaching with KP star on that aspect, congestion, that... We will not go on KP. We will go by the Lal Kitab along with the Nadi Astrology. Okay. Suppose if you are saying there is a problem only money, so you can how can we shift the Venus? Okay, Venus is the Karak Tattva of the money, Nadi, right? Okay. Important. For example, these days, Ketu is transit in a Libra and the Venus. कुछ लोग अगर आप रिजल्ट देखते हैं तो बेस्ट रिजल्ट इसी साइंस के हैं कि जो कि रेड लाल किताब से की जाती है बट वी विल नॉट कवर Okay, how many days course? Yes. That I will explain, sir. You to you. Wait a moment. Madam, आप बता दीजिए अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो तो सर ये 8 डेज की वर्कशॉप है 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, and 28 January. You can take a screenshot as well. 3540 is the energy exchange now. 3540 रुपए इसका एनर्जी एक्सचेंज है वीडियो रिकॉर्डिंग्स स्टडी मटेरियल एंड ई सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज कॉल मी एट 766-555-9566 किशोर सिंह बर्दे जी किशोर सिंह जी बर्दे जी प्लीज आप हाँ गुड इवनिंग सर मैंने वो चैट में कब से डाल के रखे थे सवाल लेकिन अभी मैं बता देता हूँ मैं एक तो अगर साउथ में मिरर है या ड्रेसिंग टेबल है तो उसकी रेमेडी क्या कर सकते हैं साउथ में अगर आपके मिरर है और ड्रेसिंग टेबल है ड्रेसिंग टेबल है तो आप उसको साउथ में आपका बेडरूम है क्या हाँ जी एक बार झगड़ा शुरू होता है तो फिर होता ही जाता है चलता रहता है तो उसको नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करो ना पता है फिर भी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करो शीशे को वो उसको मुश्किल है मैडम अभी नॉर्थ की तरफ जैसे कपबोर्ड और सब लगा दिया तो अभी वो शिफ्ट करना मुश्किल है आप समझो देखो सर अगर पता है तो मुसीबत को क्यों लेके चलना है ये बताओ आप पहली बात तो आपने जहाँ पे आपका बेडरूम रखा है साउथ में तो आप उस रूम की अभी क्योंकि मेरे को होरोस्कोप आपका देखना पड़ेगा तो एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग तो मैं आपको तभी कर सकती हूँ लेकिन अगर आप साउथ में अपना और खासकर उस पे आप लेके बैठे होंगे ग्लास तो आपको दिक्कत आएगी ठीक है एक तो आपकी अपॉर्चुनिटीज आते आते रह जाएंगी आपको प्रॉब्लम इसको आएगी कोई ब्लॉक कर सके या उसको कवर रखे ऐसा कुछ रेमेडी हो सकता है तो ऐसा करो ना ग्लास को बंद कर दो ना हाँ। या उसके ऊपर एक वो लगा दो आप क्या बोलते हैं कर्टेन दरवाजा टाइप लगा दो या तो कर्टेन क्योंकि अगर आप उसके ऊपर रेड भी कर्टेन लगाओगे ना शीशे के ऊपर तो हाँ। आप तो भी आपको आप उसके ऊपर एक कुछ दरवाजा टाइप लगा दो अगर दरवाजा टाइप नहीं लगा सकते हो तो फिर आप कर्टेन लगा दो तो कर्टेन में कोई कलर जैसे साउथ में है तो रेड ही जाएगा सर ओके ओके और एक दूसरा एक क्वेश्चन मैडम की अगर वो घर में जैसे वो नेशनल एम्ब्लेम या नेशनल फ्लैग ऐसा कुछ रखा है तो वो नॉर्थ ईस्ट में कोई नुकसान करेगा कि सही दिशा है क्या रखा है सर आपने एक नेशनल एम्ब्लेम नहीं होता है चार सिंह वाला अपना जो अशोक स्तंभ वाला
और यहाँ पे ठीक है, आप उसको नॉर्थ वेस्ट में दे जाओ। नॉर्थ ईस्ट में नहीं रहेगा मैम, नहीं जाएगा। अच्छा ओके ओके, नॉर्थ वेस्ट में रख लो सर उसको, आप नॉर्थ वेस्ट में रख लो। यस। अच्छा अच्छा, और मेरा जो घर का दरवाजा है ना वो सर, एक एक क्वेश्चन, आप तो तीन तीन क्वेश्चन पूछ रहे हो। अभी मैंने बोला कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। आपका क्वेश्चन का आंसर दे दिया है मैडम ने, एक दे दिया है, दो दे दिया है, प्लीज। अब मैडम, अब आप मैडम का भी ले ही लो फिर, संगीता जी का, क्योंकि संगीता जी ने भी एड्रेस किया था। संगीता जी प्लीज अनम्यूट करें, आपका भी ले ही लेते हैं, अब मैडम ने बता ही दिया इतना आशीर्वाद। जी मैडम बोल दीजिए आपका क्वेश्चन। मैडम वो ईयरफोन हटा ही लो आप, क्योंकि ईयरफोन से आपके आवाज नहीं आ रही। मेरा क्वेश्चन था मेरे हस्बैंड के स्टक मनी के लिए। हस्बैंड के स्टक मनी के लिए, ओके। हाँ ठीक है, अभी तो आपको उनका डेट ऑफ बर्थ बताऊं मैम? आप ऐसा करना संगीता मैम, मेरा नंबर है आपके पास? मेरा नंबर है सर आपको, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, आपकी प्रॉब्लम मेरे को दे दो, मैडम को वो पूरा चेक करके बता देंगे आपको, ठीक है? ओके, कल सुबह 11:30 बजे मुझे डाल देना आप। ओके सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं और बता दूं कि एस्ट्रो वास्तु की क्लासेस कल से आ रही है, जल्दी से जल्दी एनरोलमेंट कीजिए। 2 दिन वीकली चलेंगी ये, शुक्रवार शनिवार, शुक्रवार शनिवार, शुक्रवार शनिवार, शुक्रवार शनिवार, पूरे महीने का कोर्स है, 8 दिन का कोर्स है ये। वीडियो रिकॉर्डिंग इसकी आपको ऐप पे मिलेगी, 6 महीने तक का एक्सेस रहता है। स्टडी मटेरियल जो भी होगा वो सारा का सारा एक्सेस आपको 1 साल तक का रहता है। ई सर्टिफिकेट इसमें आपको मिलता है। 3540 इसकी एनर्जी एक्सचेंज है। कोर्स कंटेंट आपके सामने है, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को कंबाइन कर किस तरीके से आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग ला सकते हैं, एक बहुत ही अमेजिंग विद्या है जिसको आप सबको सीखना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास के अंदर। ज्वाइन करने के लिए 7666559566 पे व्हाट्सअप करें, जल्दी से जल्दी अपनी सीट को रिजर्व करें। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे टू ऑल। चित्रा मैम बहुत बेहतरीन सेशन था, बहुत अमेजिंग विद्या के बारे में आपने हमें आज नॉलेज दिया। जिन्होंने भी ज्वाइनिंग किए सभी का शुक्रिया, जिनका हैंड रेस है नहीं ले पाए उनसे माफी। वेबिनार होते रहेंगे, कल भी मैडम का वेबिनार है लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है। और मैं बता देना चाहता हूं कि दोनों ही अगर क्लासेस आपको करनी है तो आपको 2651 रुपए का डिस्काउंट भी है, यानी कि 6666 एस्ट्रोलॉजी की फीस है जो कि 1 महीने कोर्स चलेगा और 8 दिन का ये एस्ट्रो वास्तु का कोर्स है। 3540 दोनों की फीस होती है 10,206 रुपए। अगर आप दोनों ही करना चाहते हैं तो आपको 2651 का डिस्काउंट है, इसकी ऑफर प्राइस है 7555। जल्दी से जल्दी इनरोलमेंट करें दोनों चाहते हैं तो। अगर आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजी चाहते हैं तो 6666 और सिर्फ एस्ट्रो वास्तु चाहते हैं तो 3540 रुपए इसकी एनर्जी एक्सचेंज है। ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जो भी ऑप्शंस हैं वो मैं आपको बता दूंगा। मुझे, मेरा नंबर है 7666559566। थैंक यू चित्रा मैम आपका समय देने के लिए, सभी का शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, सभी परिवार वालों को थैंक यू, थैंक यू, राधे राधे टू ऑल, कीप लर्निंग, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, गुड नाइट, राधे राधे, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, राधे राधे।